आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। क्या खता थी हमारी, क्यों हम फिर से कमजोर पड़ गए। लात पड़ी बंदी की तो पैर खुद ब खुद दोस्तों की तरफ बढ़ गए। अब बढ़ ही गए तो बता क्या रायता फैलाया इस बार। पड़ी होगी फिर से लात वहां पे जहां मलहम भी नहीं लगा सकते। तू है ना मलहम लगाने को, आजा तू ही लगा दे। मलहम कम पड़ गए हैं दुनिया में तेरी भसड़ संभालते संभालते। याद है बाबा कॉलेज में इसकी वजह से दीवार टाप के जामा मस्जिद गए थे। उसी भसड़ की वजह से तूने जामा मस्जिद के जायके तो चखे थे। वो भी क्या दिन थे यार। कुछ तो खास था इन दिनों जो इस कॉर्पोरेट की जिंदगी ने हमसे छीन रखा है। सब आसान ही तो था, ना तो जेब में पैसों की टेंशन, ना तो सेविंग अकाउंट की। कॉलेज की बात ही कुछ और थी। बंदी का छोड़ना कांस्टेंट तो था, पर जो चीज कभी नहीं बदली वो थी हर ब्रेकअप के बाद यारों के साथ वहीं बैठ जाना जहां जिंदगी की सारी टेंशन सॉल्व हो जाती। कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है, पर अफसोस वो बंदियां तो नहीं समझ पाएंगी, पर हाँ जामा मस्जिद की गलियों को इस टूटे दिल का इलाज जरूर पता था। तड़के में दो दोस्त मिले थे, एक खड़ी लाल मिर्च की तरह तीखा और दूसरा इलायची की तरह लाजवाब। प्लेट की आखिरी बाइट पे झगड़ा भी नहीं करते, मुस्कुरा के बोलते खा ले ये तेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये बहुत लोगों के लिए आम बात होगी, पर ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं था। अचानक से ऐसा लगा कि सारा दिल जुड़ के फिर से धड़क उठाओ, सालों फिर प्यार आ गया था। कुरेशी का कबाब और असलम के चिकन टिक्के में जो ताकत थी वो शायद एवेंजर्स और डीसी के सुपर हीरोज में नहीं। जामा मस्जिद की गलियों में अगर आंख बंद करके चलो तो ऐसा लगता कि हर वो इंग्रेडिएंट तुम्हारे पैरों को जंजीर से रोक रहा हो और बोल रहा हो घर वापस भरे हुए पेट से तो चले जाओगे, पर जमीर कैसे गवारा करेगा। हाँ कुछ खास था उन गलियों में, हाँ कुछ खास तो था उन गलियों में, उसकी खुशबू में जो सारी दुनिया से अलग थी।
कोयले की निकलती हुई चिंगारी में इतनी रोशनी थी कि चांद भी शर्मा जाए। धीरे धीरे दुकानों की बत्ती बुझ रही थी और आंख में इससे पहले खुशी के आंसू आते, उससे पहले एक जन्नत से उतरी हुई अप्सरा शाही टुकड़े के रूप में मेरे सामने थी। उस शाही टुकड़े की मिठास से जो संतुष्टि मिली कि जमीर बोल ही उठा, अब बस आएंगे फिर अगली बार इन्हीं गलियों में किसी टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने। Hey guys, I hope you like the first episode of Go Fungry. We have worked really hard for this and we have come a very long way and there is a long way to go right now. Please comment in the comment section if you have any recommendations. Any food joint near you, जो आपको लगता है किसी भी foodie को miss नहीं करना चाहिए. Please like the video. Please like the video if you liked it. Please share and subscribe our channel. And please do press that ghanta wala button so that you do not miss any update from Go Fungry. Go Fungry!